चाइना में फिर शुरू हुई चमगादड़ों की मांस की बिक्री। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन अपने अतीत से कोई सबक नहीं लिया है। इस देश में एक बार फिर कुत्तों और चमगादड़ों जैसे जीवों के मांस की बिक्री शुरू हो गई। दोस्तों, 2 महीनों के लॉकडाउन के बाद वुहान शहर की दुकानें फिर से खुलने लगी है। बता दें कि वुहान ही कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था और इसके बाद से पूरी दुनिया में फैला था। इस वायरस का पता दिसंबर में चला था और माना जाता है कि यह वुहान शहर के एक ऐसे बाजार से उत्पन्न हुआ था जो मानव उपभोग के लिए जंगली जानवरों को बेचता है। वुहान सी फूड होलसेल मार्केट को जनवरी में बंद कर दिया गया था और फरवरी में चीन ने जंगली जानवरों के व्यापार और खपत पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का घोषणा भी की थी, लेकिन अब बाजार फिर से ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से कोरोना आने के पहले कर रहे थे। दोस्तों, इंडियन आर्मी के रिटायर मेजर गौरव आर्या ने कहा कि चीन ने एक बार फिर ऐसे बाजारों का संचालन शुरू हो गया है जिसमें चमगादड़, बिल्ली, मेंढक, कुत्ते और अन्य जंगली जीवों का मांस बेचा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वहां एक पुलिसकर्मी है जो आपको वहां पर तस्वीरें लेने से रोकता है। वहीं बॉलीवुड की अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा, इंसानों से सबक नहीं सीखा, चीन ने फिर से अपनी बर्बरता शुरू कर दी। चीन पशु दुर्व्यवहार और वन्य जीव अपराध के लिए सबसे बुरा देश है, रवीना टंडन बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ऐसा कहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।